वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए एबीएस जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ एबीएस फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपकी सेवा में शुरू है। खांडे सेंट्रल मॉल जलगाँव। जळगाव शहरवासियांचा सर्वात मोठा त्रासदायक प्रश्न म्हणजे रस्ते। जळगाव शहरात रस्त्यावर खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ते हे कोडं अजून सुटलेलं नाही। तसेच शिवाजीनगर येथील रहिवासी यांनी रस्ता व धुळीला कंटाळून आज रास्ता रोको आंदोलन केलं। हा रस्ता रोखण्याचं कारण म्हणजे शिवाजीनगरातील खराब झालेले रस्ते, जेथून अवजड वाहने प्रवास करतात। वाळूचं डंपर ट्रक वाळू माफिया रात्री उशिरापर्यंत येथून ये जा करत असतात, ज्यामुळे इथल्या नागरिकांना भयंकर धुळीचा सामना करावा लागत आहे। इलेक्शनच्या वेळी नगरसेवक फक्त आश्वासन देतात पण काम मात्र कोणी करत नाही, असं शिवाजीनगर रहिवाशांचं म्हणणं आहे। आम्ही सर्व शिवाजीनगर मधले रहिवासी असून आम्हाला या धुळीचा गेल्या 3 वर्षापासून भरपूर त्रास होतोय। एक तर कोरोना, त्याच्यामध्ये हे धूळ, त्याच्यामध्ये आमच्या घरातले सगळे लोक आजारी पडायला लागलेत। सर्वसामान्य लोक राहतात इथं, त्यांनी दवाखाने भरायचे की हा धुळीचा त्रास सहन करायचा, काय म्हणून करणारे सर्वसामान्य लोक। त्याच्यामुळे आम्हाला हा रस्ता झालेलाच पाहिजे आता। आणि आज महिला दिन असताना सुद्धा आम्हाला सर्व महिलांना इतक्या उन्हादानाचं बाहेर उभं राहावं लागतंय, कारण आंदोलन करावंच लागेल, त्याशिवाय ऐकतच नाहीत। आम्ही किती निवेदन दिलेले आहेत ते देऊन सुद्धा जर मार्ग निघत नसेल तर पर्याय नाही राहिला, त्याच्यामुळे आता आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलेलं। आश्वासन आता सगळेच देतात हो सर, प्रत्येक वर्षाला कोणी नाही, प्रत्येक जण निवडून येतो तो आश्वासन देतोच, पूर्ण तर व्हायला पाहिजे ना। आश्वासन कुठलं देत नाही, सगळेच देत आहेत। आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे आमचं की हा रस्ता आम्हाला कॉन्क्रिटीकरण करून पाहिजे आणि इथली वाहतूक थोडी तरी कमी झाली पाहिजे, खूप प्रमाणामध्ये वाहतूक येते। आणि पुलाचं काम लवकर करा तेव्हा इकडची वाहतूक बंद होईल थोडीफार। यासाठी शिवाजीनगर रहिवासी रस्त्यावर उतरले। कोरोनापेक्षा जास्त धुळीने आम्ही त्रस्त झालो आहोत, पण मनपा अभियंता उपायुक्त यांच्याकडून 8 दिवसांचा टाइम दिलेला आहे। सिमेंटचे रोड बनतील, पण सर्वसामान्यांचे म्हणणं आहे की आता आम्हाला फक्त आश्वासन नको तर चांगले रस्ते हवे आहेत। रास्ता रोको आंदोलन किया हुआ है यहाँ पे, रास्ता रोको करके ने, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पे ना गड्ढो, शिवाजी नगर में है ना रोड ही नहीं है, गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं है, दिखाई रोड भी दिखाई नहीं देता यहाँ पर। और ना जो महानगर पालिका है वो इस तरफ से कोई ध्यान नहीं देती हुई है, और इसके बाद में ना फुल स्पीड में ना वाड़ू के अवैध वाहतूक रात भर होती है, लोगों को ना जान को खतरा है यहाँ पे, एक्सीडेंट का यहाँ पर है ना खतरा बना हुआ रहता है। इस करके है ना लोगों ने यहाँ पे खुद उतर के आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में यहाँ पर है ना एक जो महानगर पालिका है वो सुख सुविधा दे नहीं पाती है, और जो है ना 5 गांवों को अपने अंदर शामिल कर रही है। जो जलगांव का जो शिवाजी नगर है ये है ना खुद इनको सुविधा नहीं दे पा रही है। हमारी मांगनी ये है अभी कि जलगांव को ग्राम पंचायत, शिवाजी नगर को ग्राम पंचायत के इसमें डाल दिया जाए, हमको है ना महानगर पालिका से अलग करके ग्राम पंचायत कर दिया जाए ताकि हमको सुविधा मिले है ना ग्राम पंचायत तरीके। प्रशासन की तरफ से आपको क्या प्रशासन ने आज ना अरविंद भोसले साहब ने बोला हुआ है कि यहाँ पे हमने सीमेंट रोड की मांगनी करी हुई है, उन्होंने बोला कि मैं 8 दिन के अंदर हमने आज शाम तक के उसकी फाइल आयुक्त के टेबल पे यहाँ का प्रस्ताव बना के हो जाएगी और हम इसके लिए पाठ पुरावा करेंगे। और 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो नागरिकों को बोलना है कि यहाँ पर वापस से ये वापस से आज के सोमवार को अगले सोमवार को आंदोलन करेंगे लोग। आपका नाम? दीपक कुमार गुप्ता, माहिती अधिकार कार्यकर्ता। जळगावहून जकी अहमद सोबत गौरी, इंडिया अब तक न्यूज मराठी।